अगर आज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कल को उसके साथ शादी जरूर करोगे। ऐसे में उसके साथ खुश रहना ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आपको लगता होगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, आपका कोई बॉयफ्रेंड था तो आप खुश रहते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, रिलेशनशिप और शादी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रिलेशनशिप में आप फ्री होते हो, आप जो मर्जी वो कर लेते हो, लेकिन एक बार शादी हो जाती है तो आप एक बंधन में बंध जाते हो। फिर ऐसा थोड़ी है कि बात बनी नहीं बनी तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता साहब, ब्रेकअप नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पर शादी में खुश कैसे रहें, शादी के बाद हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे जिएं, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा करनी चाहिए। पहली यहाँ पर चीज है कि एकांत में खुद की बातें करें, अपनी या उसकी या अपने दोनों की, कोई तीसरे व्यक्ति की बातें मत किया करो। होता क्या है कि हम आपस में बात कर रहे हैं और कोई तीसरे व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं कि वो ऐसा वो वैसा, उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। एक तो यहाँ पर आपका टाइम जाया हो रहा है, जो आपका क्वालिटी टाइम था वो व्यतीत नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप चुगली करने में लगे हुए हो। अब चुगली करोगे तो आपका मत अलग हो सकता है, उसका मत अलग हो सकता है, तो हो सकता है आप दोनों की लड़ाई भी हो जाए या छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए। अब लड़ाई होने में टाइम थोड़ी लगता है, तो भैया यहाँ पर तू मैं हो जाएगी और आपकी हो जाएगी लड़ाई, और आप खुश तो कतई नहीं रह पाओगे, क्योंकि एक छोटी सी जो लड़ाई होती है ना वो बहुत टाइम बाद रिजॉल्व होती है। 2-4 दिन तक आप बात नहीं करोगे, 5वें-6वें दिन थोड़ी थोड़ी बात होगी, थोड़ा बहुत देखोगे, तो ऐसे में टाइम जाया ही होगा। तो कोशिश करो कि जब भी अकेले बैठो तो खुद के बारे में बात करो, दूसरे के बारे में नहीं। सेकंड यहाँ पर चीज है कि एक साथ गुस्सा मत हो। देखो लड़ाइयां ना हर जगह होती हैं, हर रिश्ते में लड़ाइयां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओगे। अगर गुस्सा हो भी गए तो यार ठीक है ना, मनाने पे मान जाओ, लेकिन हम मानते नहीं हैं। और सबसे बड़ा केस तो ये हो जाता है कि दोनों लोग गुस्सा हो जाते हैं। अब जब दोनों लोग गुस्सा हो जाएंगे तो मनाएगा कौन भाई। फिर आ जाता है ईगो की, मैं पहले बात क्यों करूं, वो पहले बात करे। अब सामने वाले में भी तो ईगो होगा ही ना, तो यहाँ पर बात कोई नहीं करता और बहुत लंबा सिलसिला चलता है ये। कई बार बात बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हाथापाई तक आ जाती है, तो मेरे भाई ये बहुत गलत काम है। देखो दोनों लोग कभी भी गुस्सा मत हुआ करो। अगर एक गुस्सा हो रहा है तो दूसरे को समझ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है गुस्सा हो रहा है, आराम से ठीक है कोई बात नहीं, तो गुस्सा हो जाए यार, मुझे नरमी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा तो भाई बात बढ़ जाएगी। ऐसे अगर दूसरा वाला व्यक्ति गुस्सा हो रहा है तो पहले वाले को चुप हो जाना चाहिए, मनाना चाहिए आराम से लहजे से। एक गर्म पानी एक ठंडा पानी दोनों को मिलाओगे तो गुनगुना हो जाएगा, लेकिन दोनों गर्म को मिलाओगे तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों करना। तीसरी यहाँ पर चीज है कि एक दूसरे के विचार को महत्व दें, सामने वाला क्या कह रहा है उसको सुने, उसको महत्व दें। ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मेरी ही बात करोगी तो मेरी बात मानोगी तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को ना इंपॉर्टेंस चाहिए होती है। अगर आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस दोगे, इज्जत दोगे, तभी वो आपको देगा। डरा के धमका के 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन रख लोगे, लेकिन उसके बाद क्या। आपको कभी अपनी ही नहीं चलानी चाहिए। बात छोटी मोटी होती है कि ये फ्रिज यहीं पर रहेगा, वो कहती है कि नहीं यहाँ पर नहीं रहेगा, तुम बोलते हो नहीं यहीं पर रहेगा, बात ईगो पे आ गई ना। अरे क्या हुआ मेरे भाई, उसकी भी सुन लो, फ्रिज वहां पर रख दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। या आज ये खाना बनेगा, ये सब्जी नहीं बनेगी, वैसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, मेरे भाई बात करके सुलटाओ और जो सामने वाला कह रहा है उसको पहले सुनो। हो सकता है कि आपने सुना, आपको पता लगा कि यार मेरे से अच्छे ख्याल तो इसके हैं, मेरे से अच्छा आइडिया तो इसके पास है, तो यार सुन लिया करो। पांचवी यहाँ पर चीज है कि पुराने गलतियों के बारे में जिक्र ना करें। देखो शादी के पहले आपकी एक अलग जिंदगी थी, उसकी एक अलग जिंदगी थी, उसको ये नहीं पता था कि वो आपके साथ आएगी, आपको भी नहीं पता था कि आप उसके साथ आओगे। ऐसे में हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हों, हो सकता है कोई गलतियां भी हो गई हों, हो सकता है, जाहिर सी बात है प्यार मोहब्बत में कहां समझ में आता है। तो मेरे भाई यहां पर उसके बारे में जिक्र मत करो। हाँ अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओपन हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बात अलग है, लेकिन एक बात बताऊं वहां भी दिक्कत होती है। मेरी मानो तो डिस्कस करो ही मत कि ये हो गया था वो हो गया था, मेरे से ये काम हो गया था वो काम, यार क्या फायदा। पहले कभी लड़ाई हुई थी ना आप दोनों की, वो भी डिस्कस मत किया करो कि हमारी लड़ाई हो गई थी, ये हो गया था। बात यहां पर उबल जाती है कि तूने तो कहा था, वो बोलेगी नहीं मैंने कहा, तूने कहा था, अरे नहीं तूने तूने, तो यहां पर फिर लड़ाई हो जाएगी। तो मेरे भाई क्यों यहां पर अच्छे खासे मूड को बर्बाद करना, पुरानी जो गलती हो गई सो हो गई। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ओपन इतने भी मत हो जाना कि क्लोज आई ना पाओ। क्या आपकी और आपके पार्टनर की कभी लड़ाई हुई है? अगर हाँ तो आपने कैसे मनाया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे जरूर देखना है। और सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा ये भी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो इतनी सी भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलना यार। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में घंटा आता है उसको दबाना कतई ना भूलना, घंटा बहुत जरूरी है भाई, घंटा तो दबाना ही होता है, इससे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो देख लो यार कर देना।